बिग बॉस 18। जी हाँ दोस्तों, तू सॉरी मांगेगा, एक फोन आएगा और तू सॉरी मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, शहजादा धामी और रजत दलाल के बीच हो चुकी है लड़ाई, क्योंकि शहजादा धामी ने बोला कि रजत जो है छेड़छाड़ करता है घर में। शहजादा धामी ने ये बोलते हुए नॉमिनेट किया है रजत को। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनेशन टास्क आ चुका है और नॉमिनेशन टास्क में करणवीर ने अविनाश को नॉमिनेट किया है और बहुत बड़ा झगड़ा देखने वाले आप, पंजाबी वर्सेस हरियाणवी, रजत दलाल वर्सेस, जी हाँ दोस्तों, रजत छोरा हमारा हरियाणवी छोरा वर्सेस पंजाबी मुंडा शहजादा धामी। जी हाँ दोस्तों, दोनों का बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ है। सॉरी मंगाएगा, तू मुझसे सॉरी मंगा के दिखा, रजत बोल रहा है दोस्तों शहजादा धामी को। बहुत मजा आ गया दोस्तों ये लड़ाई देख के, है ना, मतलब क्या क्या बोले दोस्तों, इसे कहते हैं असली लड़ाई दोस्तों। अब बिग बॉस के घर में मजा आने वाला है, क्योंकि लड़ाई जो है आमने सामने होगा दोस्तों। अब लड़ाई में कोई वो नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं, लड़ाई आमने सामने का होगा अब, है ना। क्या लड़ाई देखने को मिला मुझे ये रजत दलाल और इसका, है ना। फिर से देखते हैं, चलिए दोस्तों, है ना, प्रोमो में देखते क्या हुआ है। प्रोमो देखते कहा गया प्रोमो, हाँ, एक आरोप लगाया कि मैं छेड़छाड़ करता हूँ। अभी तो रजत के ऊपर आरोप लगाया कि रजत छेड़छाड़ करता है। मेरे को उसका एक्सप्लेनेशन दे दो ना, तू अंदर फिर सकता ना बाहर फिर सकता, बाहर तेरी औकात नहीं, और अंदर आके देख ले। बहुत बड़ा गुंडा है तू रजत। एक फोन आएगा तो सॉरी मांगेगा। मंगवाले सॉरी, तू मंगवाले, तेरे बाप को मंगवा दे, मैं तेरे बाप में जा रहा हूँ। मंगा ले सॉरी, मजा आएगा दोस्तों। नॉमिनेशंस दोस्तों, नॉमिनेशंस में एक पागल औरत को वो बना दिया, जो चुतिका या श्रुतिका, जो एक पागल औरत है, पता नहीं वो बिग बॉस के साथ क्या बात कर रही है। उसकी पति बैंकॉक जाए, कहा जाए बैंकॉक में मसाज करा रहा है उसका पति, मतलब पागल औरत है ये जो है श्रुतिका, जो है ये पागल है पूरी तरीके से, क्रैक है ये, जो भी है मुझे समझ नहीं आता इसका। इसको इसको क्या जानी बना दिया, सिंहासन में बैठा दिया नॉमिनेशंस में दोस्तों। मतलब इससे ज्यादा पागल औरत मैंने बिग बॉस में कहीं नहीं देखा। एक से एक आए क्रैक लोग बिग बॉस में, लेकिन श्रुतिका जैसा मतलब क्रेजी वोमेन मैंने नहीं देखा कभी। पता नहीं इसका पति इसको कैसे झेलता होगा, इसकी तो निकलती नहीं है सुबह, फिर इसको खाना भी नहीं चाहिए, ये अविनाश से जाके वो नहीं करता, बात भी नहीं करता ऊपर से, है ना। यहाँ पर नॉमिनेशंस हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर नॉमिनेशंस, आई थिंक इस बार जो है रजत भी नॉमिनेशन में है, मुस्कान भी है, बग्गा भी है ना, और टाइम ऑफ गॉड तो कोई नहीं बना, टास्क टाई हुआ है। और बाकी तो आपको पता है कि आरफीन और रजत का टाई टाई हुआ है, टास्क नहीं बना कोई भी। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों ये जो तीन जोड़ी बनी है ना, एलिस, ईशा और अविनाश का, ये जोड़ी आगे कितना टिकती है ये बोलना मतलब मुश्किल है, कितना तक आगे तक जाएगा ये, है ना। ये जोड़ी जो है कितना तक आगे तक जाएगा ये बताना मुश्किल है। फिलहाल नॉमिनेशंस ही मजा आएगा इस बार। अगला नंबर किसका होगा ये मजा आएगा देखने में दोस्तों, अगला नंबर किसका होने वाला है नॉमिनेशंस का, यही तो मजा है देखने में नॉमिनेशन फाइट में। क्योंकि करणवीर जो है दोस्तों यहाँ पर उसने नॉमिनेट कर दिया है हमारे अविनाश को। इन दोनों का जो एक पापा वाला झगड़ा शुरू है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपको। बहुत झगड़ा होगा इन दोनों का, और शहजादा और रजत का झगड़ा होगा दोनों का, क्योंकि जान ही पा रहे हैं ना क्या हो रहा है इधर। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, अविनाश जो है वो बहुत ज्यादा अभी माइंड गेम खेल रहा है ना, बहुत ज्यादा माइंड से गेम खेल रहा है वो। सेम शिल्पा भी, शिल्पा जो है पहले विवेन के ऊपर बंदूक चला के गेम खेलती थी, अब उसको समझ में आ गया कि विवेन भी अब अलग हो रहा है ना, तो वो अब जो है अलग ही तरीके से वो अब गेम खेलेगी वो, है ना। शिल्पा जी अब अकेली हो गई है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, वो जैसी चुम बग्गा, मुस्कान, मुस्कान तो नहीं जाएगी अभी, बग्गा और जो ये नाम है ना, बग्गा और क्या नाम है इसका, और एक नाम है ना, मुस्कान और बग्गा और चुम, ये तीनों जब निकल जाएंगे ना, शिल्पा का नंबर आ जाएगा निकलने का, है ना। आज चुम भी शायद अविनाश करणवीर से बात कर रही थी कि मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मैं दब जा रही हूँ। और हाँ, चुम ने दोस्तों जो साला बोला ना अविनाश को, क्यों बोला पता है, ताकि अविनाश और ट्रिगर हो, इसीलिए बोला ये चुम ने, ये बात अविनाश को बोला है आज कि मैंने तुम्हें साला इसलिए बोला ताकि तुम और ट्रिगर हो। तो अविनाश को ये लोग जानबूझ के ट्रिगर कर रहे हैं ना, ज्यादा उकसा रहे हैं, इसीलिए तो अविनाश उसको चोमू चोमू बुला रहा है, चोमू बुला रहा है ना उसको, क्या नाम है उसका, करणवीर को चोमू चोमू बुला रहा है अविनाश, तो इसीलिए तो कर रहा है। अभी नॉमिनेशंस का आ जाएगा दोस्तों, नॉमिनेशंस।
ज्यादा मजा आएगा, यू बी अ मैन फर्स्ट। दूसरा नाम मैं बोल रहा हूँ, दो लोगों में बजा 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 कुछ बोल रहा, बोल भी ले बहुत ज्यादा, बी अ मैन। और मेरे ऊपर एक आरोप लगा है कि मैं छेड़छाड़ कर रहा। ये तो हो गया दोस्तों, लेकिन नॉमिनेशंस का अब देखना है मुझे, है ना। नॉमिनेशंस मेन है, नॉमिनेशंस का ही मेन है। नॉमिनेशंस नहीं होगा तो मजा ही नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर मेन बात तो यही है ना, नॉमिनेट कौन कौन होगा। मुझे लगता है इस बार जो है बग्गा का नंबर ही कटने वाला है, बग्गा का ही नंबर है इस बार जो है कटने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रोमो दोस्तों नहीं आ रहा है, प्रोमो आती है मैं दिखा रहूंगा। प्रोमो नॉमिनेशंस कंट्रोल करेंगी श्रुति का। इस पागल औरत को दे दिया नॉमिनेशन कंट्रोल करने के लिए, सोचिए ये क्या करेगी। ये कौन कौन खड़े दोस्तों यहाँ पर नॉमिनेशंस में, शिल्पा चाहत, करणवीर, नायरा, चूम भी नॉमिनेट होगी दोस्तों। जी हाँ, चूम भी नॉमिनेटेड है, और ये आरफिन और सारा। बिग बॉस मेरा पहला नाम है अविनाश है। मेजर रीजन ये है कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, तो आई वुड से भाई विक्टिम कार्ड कौन प्ले कर रहे तो दिख रहा है लाइक अ मैन, और तब ज्यादा मजा आएगा, यू बी अ मैन फर्स्ट। और दूसरा नाम मैं बोल रहा हूँ, दो लोगों में बजा ले बजा ले चल बजा कुछ बोल रहा, बोल भी ले बहुत ज्यादा, बी अ मैन। और मेरे ऊपर एक आरोप लगा है कि मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं। शहजादा ने रजत को शायद नॉमिनेट किया है, आई थिंक रजत नॉमिनेटेड है, चूम भी नॉमिनेटेड है ना। तो कल तो मजा आएगा, फिलहाल आज के एपिसोड में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं दोस्तों, है ना। चलिए थैंक यू भाई, किसी के फैंस को कुछ बुरा लगे तो सॉरी, और भी मैं अपडेट्स ला रहा हूँ, जाएगा कहीं मत। चलिए थैंक यू।